शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर हो ही गया होगा, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल बैग्स हॉल वीडियो। ये कुछ ऐसे बैग्स हैं जिसे आप ना समर्स में स्टाइल कर सकते हो, मतलब कभी भी कर सकते हो वैसे है ना, लेकिन समर्स में ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं फ्लोरल। एंड ना वैकेशन वगैरह पे अगर आप प्लानिंग कर रहे हो समर्स में जाने के लिए अभी, तो उसमें तो आप डेफिनेटली स्टाइल कर सकते हो। तो आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आएगा आपको। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैं शेयर कर रही हूँ, जितने भी बैग शेयर कर रही हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में आपको एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर के नाम से, उस सिंगल लिंक पे क्लिक करके आज आप अपना कंप्लीट कलेक्शन परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट बैग से, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और काफी टाइम से लेने का मैं सोच रही थी। सभी की प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी। ये बहुत ही प्यारा सा जूट का बैग है। इसमें ना बहुत सारे प्रिंट्स थे, ऐसा नहीं है केवल ये वाला ही फ्लोरल प्रिंट था, पिंक वाला, बहुत सारे प्रिंट थे। लेकिन मुझे सबसे फेवरेट ये लग रहा था, ये ना जूट बास्केट वाला जो बैग आता है ना वो है। एंड ये आप स्टाइल कर सकते हो कोई भी वैकेशन पे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कोई भी ड्रेस के ऊपर स्टाइल करने पे, स्पेशली बीच वगैरह पे बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई है। साथ में आपको हैंडल देखने को मिल जाते हैं और ये ना प्रिंट टाइप नहीं है, ये अलग से ना पॉलिथिन वगैरह, मतलब इस पर कुछ चिपकाया हुआ है बिल्कुल थिन लेयर, जो कि ना बिल्कुल नहीं निकलेगा, पर ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अंदर में इसमें कोई भी आपको कंपार्टमेंट नहीं मिलता है, सिंगल कंपार्टमेंट है, लेकिन आप इसमें जैसे पोटली आती है ना वो आप इसमें रख के और फिर आप आराम से कैरी कर सकते हो। क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि बैग ओपन है तो क्या रखे, कुछ भी निकल जाएगा, तो आप है ना एक व्हाइट कलर की पोटली टाइप आप इसमें कैरी कर सकते हो। ओवरऑल ये काफी ज्यादा सुंदर लगा मुझे, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है और ना काफी रेयर मिलते हैं ऐसे बैग, तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मुझे तो काफी पसंद आया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको जो भी प्रिंट कलर वगैरह लेना हो। अब आते हैं नेक्स्ट जो मैंने बैग परचेज किया है। ये मैंने परचेज किया एक हैंड बैग है और ये फ्लोरल प्रिंट में है, मुझे काफी अफोर्डेबल लग रहा था और ना व्हाइट कलर में इसके ऊपर ग्रीन कलर से फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है। साथ में आप चाहो ना तो इसे इस वाले हैंडल के साथ भी कैरी कर सकते हो, चाहो तो है ना इसमें दो हैंडल दिए हुए हैं, ये चेन वाला भी दिया हुआ है। मुझे ये ज्यादा प्रिटी लगा, ये मैं अंदर की साइड डाल सकती हूँ। अब आपको शोल्डर पे कैरी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो इसके साथ, बाकी अगर आपको हैंड पे कैरी करना है तो ये थोड़ा छोटा है। एंड ना इसमें आपको इस तरीके का प्रिंट देखने को मिल जाएगा और ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें भी आपको ना एक सिंगल कंपार्टमेंट ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सिंगल कंपार्टमेंट है और अंदर आपको एक छोटी जिप देखने को मिल जाएगी जो कि कॉइन के लिए है। बाकी क्वालिटी बहुत ऑसम है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। एंड ना मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, कभी भी आप इसे स्टाइल करते हो ना कोई भी ड्रेस के ऊपर काफी अच्छे से जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। जो नेक्स्ट बैग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये परफेक्ट है वैकेशन वगैरह के लिए और समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक बोहू बैग है। इसमें है ना अंदर पोटली नहीं आई थी, ये मेरे किसी और बैग की है जो मैंने इसमें डाली हुई है। मैंने ना ये मैंने अभी परचेज नहीं किया, थोड़े टाइम पहले किया था और इसे मैंने ना अपने लास्ट वैकेशन पे जब मैं गई थी ना गोवा, तो मैंने इसे लिया भी था, कैरी किया था और ये बहुत ब्यूटीफुल लगा था। ये इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग रही है, ब्लैक के साथ बेज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से जा रहा है। साथ में ना मैंने अपना पूरा सामान इस पोटली में रख के कैरी कर लिया था। मुझे इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा वर्थ लगा एंड आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्यूट भी है, तो मैं इसको भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। आप ये भी बाय कर सकते हो वैकेशन पे या फिर अगर आपको बोहो बैग लेने हैं ना, तो बहुत ही प्यारा बैग है ये और हटके है थोड़ा, तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी एक फ्लोरल प्रिंट में सीलिंग बैग है। ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में है और जैसे कॉलेज गर्ल्स होती है या फिर अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो उस पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपको इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट में देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रिंट थे, मुझे ये ब्लू के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक भी लग रहा था और यहाँ पे आपको ना इसमें गोल्डन कलर का इस तरीके का अटैचमेंट दिया हुआ है। जब आप खोलोगे ना आपको इसमें दो कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, बीच में चैन है, बाकी दोनों कंपार्टमेंट है जो ओपन है और यहाँ से आप इसे क्लोज कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अमेजिंग वाली है,
सीलिंग बैग है इस तरीके की, तो काफी अच्छा है, आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो साइड में शोल्डर पे, काफी ब्यूटीफुल लगेगा। कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्पेशली शॉपिंग पर जा रहे हो, उस पर्पज से काफी ज्यादा अच्छा है और ना प्राइस इसके बहुत अफोर्डेबल है। ये है जो नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, काफी अच्छा लगेगा अगर आप परचेज करोगे तो, किसी को गिफ्ट देने के पर्पज से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ना कंपार्टमेंट भी काफी अच्छा दिए हुए हैं, तो आराम से आप अपना मोबाइल मेकअप वगैरह इजिली कैरी कर सकते हो। तो दो बैग मैं आपको शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट दो वो है ना बड़े बैग है जिन्हें आप है ना मतलब ट्रेवल में भी कैरी कर सकते हो। आप है ना उसमें अपने मतलब अगर आप एक दिन के लिए कहीं जा रहे हो तो आप अपनी कोई ड्रेस भी साथ में उसमें कैरी कर सकते हो। तो फर्स्ट बैग जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये है बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड मेरा फेवरेट बैग है ये। मैंने जब भी इसे लिया है ना, बहुत सारे लोगों ने पूछा आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है और जो कलर है ना बिल्कुल लाइट शेड में, वो इतना ब्यूटीफुल लगता है। व्हाइट कलर में है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में आप ये देखो पाउडर ब्लू एंड बेबी पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, काफी अच्छा एक बड़ा बैग है। यहाँ पे आपको एक चेन देखने को मिल जाएगी और अंदर है ना काफी, आप देखो काफी अच्छा स्पेस इसमें दिया हुआ है, साइड में दो इस तरीके के कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, बीच में आपको चेन देखने को मिल जाएगी और इधर भी साइड में कॉइन चेन भी है, तो बहुत सारे कंपार्टमेंट है इसमें, आप है ना कुछ भी इजीली कैरी कर सकते हो, काफी सारा सामान आ जाएगा इसमें, पैसे हो गए, मोबाइल, आपका मेकअप, साथ में आपकी एक दो ड्रेस भी आप इसमें कैरी कर सकते हो अगर आप वन डे के लिए कहीं जा रहे हो तो। ओवरऑल मुझे ट्रैवलिंग पर्पज से भी काफी अच्छा लगा और वैकेशन वगैरह में स्टाइल करने के पर्पज से तो है ही प्यारा। तो ये है जो नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये तो आप अपने कलेक्शन में ऐड करना ही करना, बिकॉज जब भी आप इसे स्टाइल करोगे ना आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अच्छा बड़ा बैग है लेकिन बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है और सच में ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा काम में आएगा। और कलर मैंने समर्स के अकॉर्डिंग पाउडर ब्लू कलर लिया है इसमें, इसमें आपको कलर ऑप्शन शायद देखने को मिल जाए, मुझे याद नहीं है, पर मुझे पाउडर ब्लू कलर ज्यादा पसंद आ रहा था। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड ना इसमें आपको जो कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे वो दो कंपार्टमेंट है, दोनों में काफी अच्छा स्पेस है, इसमें अंदर पॉकेट्स भी मिल जाएंगी और दूसरे कंपार्टमेंट में आपको कॉइन वाली चेन भी देखने को मिल जाएगी और पीछे भी एक छोटी सी जिप है। तो ओवरऑल है ना इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, आप ना बहुत सारा कुछ इसमें कैरी कर सकते हो एक साथ, उस पर्पज से बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई ऐसा बैग लेना है जो देखने में स्टाइलिश भी लगे, आपको काफी सारा सामान भी आ जाए और साथ में क्वालिटी अच्छी हो, तो आप ये वाले बैग को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैंने जब से इसे लिया है ना, इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैंने कहाँ से लिया है, तो ये काफी अच्छा बैग है, मैंने काफी यूज भी कर लिया है, क्वालिटी को लेकर मुझे बिल्कुल इशू नहीं हुआ है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो इसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अभी अगर ये मिल रहा है तो आप डेफिनेटली बाय करो और अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में है क्योंकि अमेजोन पे अच्छी खासी सेल चल रही है। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया। तो गाइस ये था आज का मेरा अमेजोन से बैग हॉल, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। प्लस फेवरेट बैग कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना एंड और क्या देखना चाहते हो अमेजोन से वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।